आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? वो आपकी बीवी है। कितनी बार कहा है वो मेरी बीवी नहीं है। क्या हो गया आपको? जस्ट रिलैक्स। आई एम रिलैक्स्ड। और तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हां, वो जो तुमने फॉरन पोस्टमैन के फराइज अंजाम दिए थे ना, उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मेरा बेटा है और सिर्फ मुझे ट्रस्ट करता है। आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? वो आपकी बीवी है। कितनी बार कहा है वो मेरी बीवी नहीं है। और जो जरीन क्लेम कर रही है उसका क्या? टू हेल विद दैट वुमन। अंकल आप ही कहते हैं कि पूरी बात सुननी चाहिए। मेरी पूरी बात सुन के जाइएगा, साये की तरह पीछा करूंगी आपका। एक औरत है जो क्लेम करती है बकौल आपके झूठा ही सही कि वो आपकी बीवी है, और आप इतने हाइपर हो जाते हैं। याद है आपको, आपने मेरे घर एक बंदा भेजा था, जावेद। बहुत तंग किया था उसने मुझे, मेरा रिश्ता मांग रहा था। सोचें जरा, मेरा रिश्ता मांग रहा था। लेकिन इस वक्त जो आप पर गुजर रही है ना, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुकी। इतना तंग किया उसने हमें, इतनी अजियत दी, बर्दाश्त किया हम लोगों ने, सब कुछ सहा। क्यों? क्योंकि एक मिडिल क्लास भाई की बहन हूँ, मजबूरी थी, बर्दाश्त करना पड़ा हमें। और आप तो जानते हैं कि ये लड़कियों का मामला तो फिर नाजुक होता है, मगर आप तो फिर एक मर्द हैं। मेरे और जैद के मोहब्बत के क्लेम पे आपने तो तूफान बर्पा कर दिया था। और अब एक औरत आप, आई मीन आप पर क्लेम कर रही है। सोच रही हूं कि इस औरत के साथ होगा क्या, इसका तो बाल भी नहीं बचेगा। आई रियली फील सॉरी फॉर दैट वुमन। उस औरत को तुमने भेजा था? ठीक है, शुक्रिया अंकल मेरी बात सुनने का। मैं नजीर से कहती हूँ आपके लिए कॉफी भेज दें। किस काम है?